हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार शादियां भाई साहब चल पड़ी हैं, आप देखते हैं भाई साहब होता है क्या। तो स्टार्ट। रघुनंदन राम के पीछे जो दूसरे रघुनंदन चल रहे हैं वो केकई नंदन भरत है। हाँ जी, अब इनको बताइए साथ में कुछ शत्रुघ्न कौन है। श्रुत कीर्ति, छोटे रघुनंदन के पीछे जो दूसरे छोटे रघुनंदन चल रहे हैं वो शत्रुघ्न जी, सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न है। भैया भाभी कहाँ है? इधर इनकी भी ऐसी मजाक। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ, उपस्थित गुरुजनों, इस सभा में हम विवाह के संदर्भ में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हाँ, शादी। इस औपचारिकता को पूरी करने के लिए मैं महाराज दशरथ से प्रार्थना करता हूं। क्या? महाराज जनक, रघुकुल की ओर से गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ रघुवंश की परंपरा का वर्णन करेंगे। ओ, ऋषि वशिष्ठ जी, वाह। विदेह राज जनक, व्याह व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा वैश्विक उत्तरदायित्वों को निभाने का संकल्प है और इस संकल्प को तभी निभाया जा सकता है जब दोनों परिवार एक दूसरे को भली भांति जान ले, जान ले, समझ ले। मेन चीज है भाई, ये इनको सिखा रहे ना कि क्या क्या। इसलिए मैं महाराज दशरथ की वंश परंपरा का आपको परिचय दे रहा हूं। परिचय मतलब गवाही या सबूत होता होगा इस तरह, क्योंकि वंश इस तरह के मतलब सूर्य से जन्मा है, इसीलिए इनके कुलदेव सूर्य हैं। कुलदेव सूर्य, सूर्य पुत्र मनु, इच्छवाकु, भानधाता, महाराज सगर, जिनकी तपस्या से भागीरथी गंगा पृथ्वी लोक पर आई, दिलीप, रघु, जिनके द्वार से याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटा, अज, वही ना, वही ना। और अज के पुत्र महाराज दशरथ, और इनका व्रत है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अधिक शुद्ध, अधिक धार्मिक, यार क्या ज्ञान थे यार, और अधिक नीतिमान हो। ऐसे गुरु होते थे ना। और इन्हीं महाराज दशरथ के चारों पुत्र इस समय आपके समक्ष विराजमान हैं। राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। प्रसिद्ध रघुकुल को कौन नहीं जानता। अब मैं स्वयं अपने कुल का परिचय दूंगा। खुद ये परिचय, मेरा वंश निमि वंश कहलाता है, क्योंकि गुरुजी ने तो सब बताया। प्राचीन काल में निमि त्रिलोक प्रसिद्ध धार्मिक राजा थे। मिथि उनके ही पुत्र थे जिससे मिथिला नाम प्रसिद्ध हुआ। अच्छा। इसके बाद उदावसु, नंदीवर्धन, सुकेतु, देवराज, बृहद्रुप, कीर्तिरथ, महारोमा, द्रस्तरोमा। द्रस्तरोमा के दो पुत्र ज्येष्ठ में जनक। अच्छा, ज्येष्ठ और कनिष्ठ कुशध्वज। मेरी दो पुत्रियां हैं,
सीता और उर्मिला। ओह कुशध्वज की भी दो पुत्रियां हैं मांडवी। लगता है वो चचा की बेटियां हैं। तो वो उस तरह बहने हैं ना चारों। हाँ तो हुई तो बहने ना यार। महाराज मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। राम और सीता का विवाह तो तय हो चुका है। यानी कि उनकी भी शादी। महाराज दशरथ, महाराज जनक, यानी कि उनकी भी साथ में लक्ष्मण जी। मुझे उर्मिला लक्ष्मण के लिए, मांडवी भरत के लिए, और श्रुतकीर्ति, श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न के लिए, और नाम भी दोनों के अनुरूप। वाह भाई बना दिया। ऐसी अच्छी बात हो क्या हो सकती है यार। सबके सामने मैं और कुछ तो जो यही चाहते थे। अरे वाह आज नेमिकुल और रघुकुल दोनों संबंधों के कोमल बंधनों में बंधने जा रहे। कितना रिश्ता मजबूत हो जाएगा दोनों खानदानों का। कोई शक नहीं ये प्रसन्नता का विषय है। वाकई ये तो खुशी की बात है और दोनों कुलों के लिए शुभ संकेत भी है। मैं चारों कन्याओं का हाथ चारों राजकुमारों के हाथों में शुभ लगन में दूंगा। वाह ऐसा वचन देता। ले भाई वचन मतलब है ते तो था लेकिन वचन चलो आज मघा है। शुभ काम के वचन है। तीन दिन के बाद जब उत्तर फागुनी नक्षत्र आएगा तभी शुभ वेला में विवाह संपन्न होगा। तीन दिन के बाद यानी कि वो तारीख निकली है शुभ दिन जो कहलाता है। सारे मंत्री सब बैठे होते हैं देखो उनमें रिश्ते तय होते हैं। फिर गुरुजी एक तरह से वो बताते हैं सारा परिचय करवाते हैं। फिर दूसरी तरफ से जनक जी ने बताया अपना। सीते शुभ समाचार है। आज से तीसरे दिन तुम्हारा और रघुनंदन राम का विवाह है। ये केवल सीता का विवाह? अरे सबका हुआ है। परंतु महाराज ने तो कहा था कि वो उर्मिला मांडवी सबका हुआ है के बारे में भी बात करेंगे। तो किए ना? हाँ बात हुई ना। तो फिर तो बात पक्की। उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति इनका विवाह भी आज से तीसरे दिन करने का निर्णय लिया गया। पक्का ये सब मांडवी का ना भाई का मजा। चारों बहने चारों भाई आए 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 और ये होगा एक साथ भाई साहब वाकई। और सबसे बड़ी बात ये देख यार ये खानदान कितना सुखी था कितना मजबूत खानदान है यार परिवार। वही ना और देख किस तरह से फिर वो सारे जो आपस में राजा बैठे थे बता रहे थे भाई मेरा खानदान ये है मेरा ये बिलोंग करता हूँ ये चीजें पीछे से चलती भी आ रही है वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा यार ये सही है ना। देख सारी सभा के अंदर सब बैठे हुए थे उसमें पहले राजा दशरथ जी की तरफ से ऋषि जी ने सब कुछ बताया उनका भगवान राम जी का फिर इनका फिर राजा जनक जी ने खुद ही बता दिया सब। हाँ और फिर जब गुरु जी ने बात की कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये इस तरह से इस तरह ये उर्मिला जी इधर 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 और ये क्योंकि भगवान राम जी और माते सीता का तो पहले से ही हो चुका था। वो तो भाई वो तो पक्का ही है ना। और ये देख ऋषि के बोलने से रिश्ता पक्का। सबसे बड़ी बात ये दोनों पिताओं ने पक्की नहीं बात की ऋषि जी वही राजा दशरथ कहते हैं मैं तो धन्य हुआ मैं तो चाहता ही यही था। और राजा जनक जी ने भी वचन दे दिया कि हाँ भाई ये होगा रिश्ता पक्का। यार, कसम और से यार। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि तीन दिन के बाद वो शुभ दिन है और भाई मतलब चारों की शादी चारों की और उधर से उनको भी पता चल गया। लेकिन अब आएगा ना मजा। अब आगे देखते हैं अब आगे होता है क्या। तो बाय।